जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये सिंपलेक्स एल्गोरिदम जो है वो आज हम करेंगे। हमने जो है वो जो नेसेसरी चीजें थी इस एल्गोरिदम को करने के लिए वो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में किया है। तो ये जो सिंपलेक्स एल्गोरिदम है, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि आप सबसे पहले फॉर्म करें, फॉर्म अ कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। टू इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपने ये करना है। तो ये किस तरह से देखिए, आपका जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, बेसिक इनिशियल जो आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी, वो आपके पास किस तरह की थी कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, आपने उसे ये इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम थी, मिनिमाइज आप जो सी टी ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट, ए एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल था। आपने पहले इसे कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। अब इसमें ये मैंने बताया कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, कंस्ट्रेंट ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो और या लेस देन 0 है, तो उसको पहले इक्वेशंस में इक्वालिटी में बदलें बाय यूजिंग द स्लैक वेरिएबल्स या फिर सरप्लस वेरिएबल्स। उसके बाद आपने कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म किया। वो जब आपने फॉर्म किया तो वो अब जो फॉर्मेशन है उसकी आपने इस तरीके से करनी है कि जो आपके पास मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा उसकी फॉर्म इस तरीके से बन जाएगी। ये जो सी टी ऑफ एक्स है, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म जी जीरो प्लस समेशन सी आई माइनस जी आई एक्स आई, और आई जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम m+1 से n तक। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। आपने इसको कैनोनिकल फॉर्म में बदला। तो ये असल में हमने जो है जो लास्ट में इसे देखा था कि आप पहले जो है वो इसे इस फॉर्म में बदलें। अब इसमें अगर तो ये जो वैल्यूज है ये आपने कैलकुलेट करनी है, तो पहला स्टेप क्या है, फॉर्म अ कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये हमने पहला काम कर। तो दूसरा जो आपके पास स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, कैलकुलेट द रिड्यूस कॉस्ट कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट आपने कैलकुलेट करने हैं, कोएफिशिएंट कॉरिस्पॉन्डिंग टू टू नॉन बेसिक वेरिएबल्स, जो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है ये मैंने पहले पीछे स्टेट किया हुआ है कि उसके जो कोफिशियंट है ये इस तरीके से है, सी आई माइनस जी आई। इनको हम कह रहे हैं कि ये जो सी आई माइनस जी आई है, दिस इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो दीज आर दी रिड्यूस कॉस्ट जो कोफिशियंट्स है। और अगर तो ये देखें, ये कॉरिस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल्स है, तो अगर तो ये सारे ही ग्रेटर देन जीरो होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, देन एनी फिजिबल सॉल्यूशन विल हैव तो वो आपका ऑप्टिमल जो है वो हो जाएगा। हमने लास्ट में पढ़ा था कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है, कि आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा इफ एंड ओनली इफ
कॉरिस्पॉन्डिंग रिड्यूस कॉस्ट कोफिशियंट्स आर ऑल नेगेटिव, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो फिर आपका जो सिस्टम है ये ऑप्टिमल हो। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप में आपने ये रिड्यूस कॉस्ट जो है वो फंक्शन जो है वो निकाले हैं, आर आई इनका नाम हमने रख दिया। और उसके बाद आप थर्ड स्टेप में जाएं, अगर सारे के सारे आर जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो फॉर ऑल जे, तो आपने स्टॉप कर देना। स्टॉप का मतलब आपका जो आप सॉल्यूशन है वो जो करंट सिस्टम है, द करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो आपका जो जो आपके पास सिस्टम है जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल बन जाएगा। ठीक है, तो जिस सिस्टम आपके पास गिवन है, ये आपके पास सिस्टम गिवन है, उसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बदल दिया है, वहां से आपने ये सी आई माइनस जी आई की वैल्यूज, सी आई यहां से हो जाएगी और जी आई की वैल्यूज जो है उनको निकालने का भी तरीका जो है, जी आई की वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है कि जी आई क्या होता है। जी आई जो है वो इक्वल टू होता है सी वन वाई वन क्यू अप टू सो ऑन वाई एम क्यू, और यहाँ पे सी एम आ जाएगा। और क्यू जो है ये आपके पास ये फॉर एवरी वन, क्यू जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम एम एंड लेस देन इक्वल टू एन। और ये y1 q अप टू सो ऑन ymq क्या है, ये असल में आपके पास कोफिशियंट है। ये आपने जब आप इसने आपने इसको इस मैट्रिक्स को आपने कैनोनिकल फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट किया है, कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जब आपने इससे कन्वर्ट किया है, तो आपके पास इस तरीके से 1 0 अप टू सो ऑन 0 1 0 एंड सो ऑन, ये कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये कोएफिशिएंट आ जाएंगे। ये दिस इज y1m+1 एंड सो ऑन y1n, और यहां पर आ जाएगा सॉल्यूशन y10 एंड सो ऑन। लास्ट में ये आपके पास आ जाएगा m into m+1 और ये ymn और y, और यहां पे आ जाएगा ym0। तो ये आपके पास कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और यहां से आपने ना पहले स्टेप में तो इसको आपने ये कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने ये कैलकुलेट किए सारे के सारे। अगर ये सारे ये जी आई कैलकुलेट किया जी आई की मदद से, आर आई आपने कैलकुलेट किया, अगर आर आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर एवरी। अब ये जो आपने वैल्यूज लिखे ये सारे जो है ये आपके पास कोफिशियंट है कॉरिस्पॉन्डिंग टू द नॉन बेसिक वेरिएबल, और ये जो है ये कोफिशियंट है कॉरिस्पॉन्डिंग टू द बेसिक फिजिबल तो सोल्यूशन। तो अगर तो ये हर आर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आप कहेंगे कि आप जो है आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक फिजिबल वो जो है वो ऑप्टिमल है। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अगले स्टेप पर जाएंगे, स्टेप फोर पर। ठीक है, अगर तो सारे ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप वहां पे स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज आप गो टू स्टेप फोर, सिलेक्ट अ क्यू। आप सिलेक्ट करेंगे अ क्यू मतलब कि कोई आप कॉलम करें सच दैट आर क्यू इज लेस देन जीरो, मतलब अगर तो बहुत सारे हैं तो उनमें से कोई एक रैंडमली सिलेक्ट कर ले, अगर है ही सिर्फ एक तो फिर उसको सिलेक्ट कर ले, तो कोई एक जो है वो आपने क्यू सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप फाइव में आप आए, इफ नो वाई आई क्यू इज ग्रेटर देन जीरो स्टॉप, तो आपने स्टॉप कर देना है, द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, प्रॉब्लम जो है वो अनबाउंडेड हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो क्यू अगर आपने एम प्लस वन लिया है और आपने देखा है कि इनमें से कोई भी ये सारी वैल्यूज जो है ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो
सॉरी इफ नो क्यू वाई वन कोई भी इनमें से एलिमेंट आपको नहीं मिलता, इफ नो वाई आई क्यू, ये कोफिशियंट अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्यू इज क्यू जो है वो एम प्लस वन ले रहे हैं, तो ये आपके पास सारे का सारा कॉलम आ जाए। तो इनमें से अगर कोई भी आपको ऐसी वैल्यू ना मिले जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर आप कहेंगे कि ये अनबाउंडेड है। ठीक है, तो एल्स अदरवाइज क्या करेंगे, अगर मिल जाए तो फिर क्या करें, कैलकुलेट पी, तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करें और वो वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट वी मिनिमम आई, तो जो उनमें से मिनिमम वैल्यू है वो आपने ले लेनी, वाई आई जीरो सच दैट वाई आई क्यू वाई आई क्यू इज ग्रेटर देन, तो आप उनमें से वो वाली वैल्यू चूज कर लें जो सबसे मिनिमम, और गो टू स्टेप सिक्स, अपडेट द कैनोनिकल सिस्टम, अपडेट द कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे अपडेट होता है वो हमने कहा हुआ है कि वो जो आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको आपने बेसिक वेरिएबल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप उसको, पिवट ऑपरेशन की मदद से उसे आप कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे। अबाउट दी पी क्यू, ये हमने प्रोसेस जो है लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है कि किस तरह से करते हैं, अबाउट द पी क्यू एलिमेंट, पी क्यू एलिमेंट, ठीक है, वो जो पी क्यू एलिमेंट है वो आपका पिवट एलिमेंट कहलाता है। और उसके बाद दोबारा से जो है वो आप स्टेप जो है सेवन स्टेप क्या है, गो टू स्टेप टू, दोबारा से दूसरे स्टेप में चले जाएं, दोबारा से फिर उसी तरह से देखें कि सारे के सारे दोबारा से, अब आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो अपडेट हो गया, अब उसमें दोबारा सारे के सारे रिड्यूस कॉस्ट कोफिशिएंट चेक करें, अगर वो सारे ग्रेटर देन जीरो है तो स्टॉप कर दें, और अदरवाइज जो है वो उसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक जो है वो सारे के सारे रिड्यूस कॉस्ट कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं आ जाते। तो ये जो है ये मेथड है जिस तरह ये चलता है, तो ये मैं एग्जांपल जो है वो एक शेयर करता हूँ, उसको हम करते हैं, आपके नोट्सिस में है एग्जांपल, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। तो आपको एक तो कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म करते हैं ये पता होना चाहिए, कैसे करते हैं, इसी तरह से पिवट ऑपरेशन कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद अपडेट कैसे करते हैं कैनोनिकल सिस्टम को, तो ये एग्जांपल जो है हम करते हैं उससे चीजें जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएगी। ये नजर आ रहा है ना आपको ये स्क्रीन? यस सर, आ रही है। जी, तो एग्जाम्पल पे आप आए, तो सबसे पहले तो ये लीनियर सिस्टम है, तो हमने पहले का क्या कहा था कि आपके पास बेसिक फिजिबल जो सॉल्यूशन है ये आपके पास है मैक्सिमम, तो ये आपके पास सी है, सी सी ट्रांसपोज, सी जो है कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो ये सी ट्रांसपोज है एंड दिस इज एक्स, और ये कंस्ट्रेंट्स है। तो पहले मैंने क्या कहा था कि पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल, ये जो है ये सारे के सारे इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, तो स्लैक वेरिएबल यूज होगा, स्लैक वेरिएबल यूज करें तो एक वेरिएबल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तो वो उसका नाम X3 रख दें, यहाँ पर ऐड करें X4 को, यहाँ पर ऐड करें X5 को, तो ये आपका सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो इसमें आपके जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो दो हैं X1 और X2, और X3, X4 और X5 आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं।
तो अब आपने एक सिंप्लेक्स एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई करना है। क्या था उसका पहला मेथड कि आपने इसको कन्वर्ट कर देना है कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड में, इसका कोएफिशिएंट देखेंगे तो क्या आएगा, वन एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है, वन, एक्स टू का कोएफिशिएंट जीरो है, जीरो लिख दिया, एक्स थ्री का कोएफिशिएंट वन है, उसके बाद एक्स फोर का कोएफिशिएंट जीरो है पहली इक्वेशन में, एक्स फाइव का कोएफिशिएंट जीरो है, और ये सॉल्यूशन जो है वो फोर है, ये बी है। तो इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से आपने ये कोएफिशिएंट लिखे, तीसरी इक्वेशन से ये कोएफिशिएंट लिखे। तो इसमें आप देखें तो जो जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आप देखें तो वो स्टार्ट में अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन ये जो आप देखें तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं कि ये स्टार्ट में हो। और यहाँ पर, और अगर तो यहाँ पर तो ऐसे बन गया ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ना बनता, आपने फिर उसको कन्वर्ट करना था भाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना था, देखना था कि कितनी इसमें लिनियरली इंडिपेंडेंट रो है। तो यहाँ पर तो बन रहा है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही हमने देख लिया कि ये A3, A4 और A5 जो है ये कॉलम, ये A3 कॉलम है, A4 कॉलम, A5 कॉलम जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो आप इसको रीअरेंज कर दें और इसे पहले ले आए, तो ये हमने रीअरेंज करके A3, A4, A5 को पहले ले आए। हाउ एवर दिस इज नॉट, और अगर वो कहते हैं अगर ये ऐसा ना भी करें तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसे स्टार्ट में ले आए तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ना भी करेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये आपके पास जो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो हमने यहां पर लिख दिया है कि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, कि एक्स वन, क्योंकि अब इसको इसी फॉर्म में रखा है उन्होंने, ठीक है, कि ये इसी फॉर्म में रीअरेंज नहीं किया, रीअरेंज कर लेंगे फिर भी ठीक है। तो अब जो कोएफिशिएंट है आपके पास एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव जो है, ये जो है उसके जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ये लिखा हुआ है 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सॉल्यूशन होते, तो ये इसका मतलब कि आपके पास जो सॉल्यूशन है विद जो एक्स वन एक्स टू है वो आपके नॉन बेसिक वेरिएबल बन जाएंगे और एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव आपके बेसिक वेरिएबल, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो फिजिबल सॉल्यूशन में ये कोएफिशिएंट 0, 0, 4, 6, 8, तो कॉलम्स A3, A4, A5 कॉरिस्पॉन्डिंग टू X3, X4, X5 आर बेसिक, और ये अब बेसिक बन गए, ठीक है। और जो बाकी हैं, एंड दे फॉर्म द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द बेसिक मैट्रिक्स इज दिस, तो ये हमारा बेसिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है A3, A4, A5, A3 कॉलम, A4 कॉलम, A5 कॉलम। अब आप जो है अपने एल्गोरिदम में आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो कर लिया है, अब सेकंड स्टेप पे आप आ जाएं, और सेकंड स्टेप क्या था कि आपने रिड्यूस कॉस्ट फंक्शन जो कोफिशिएंट कोफिशिएंट है वो निकालने हैं। तो रिड्यूस कोफिशिएंट क्या थे, R1, क्योंकि आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं वो अब क्या है, X1 और X2 आपके नॉन बेसिक वेरिएबल, तो अब आप R1 और R2 निकाल लें। R1 किसके इक्वल है, C1 माइनस Z1, Z1 की वैल्यू क्या है वो पुट कर दें, ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। और आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जाएं, अब ये सारी वैल्यूज जो है वो दी गई हैं, उसमें से ये वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, तो ये Y11 ये है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास बेसिक है। तो Y11 ये आपके ये इन कोएफिशिएंट से ये Y11 है, उसी तरह ये फिर Y21 है, और ये इन कोएफिशिएंट की मदद से आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो और सी आईज जो है वो जो आपके पास
गिवन है वो उन वैल्यूज की मदद से आपने ये निकाल दिया। तो ये आर वन की वैल्यू जो है वो माइनस टू आ जाए। इसी तरीके से आर टू की जो वैल्यू है वो माइनस फाइव आ जाएगी। अब दोनों ही नेगेटिव है। अब आप अगर अपने स्टेप थ्री पे जाएं तो स्टेप थ्री क्या था कि इफ ऑल आर जे आर ग्रेटर देन जीरो, तो ये सारे ग्रेटर देन जीरो तो स्टॉप कर दें, लेकिन क्या हमने देखा कि दोनों ही नेगेटिव। तो अब आप स्टेप फोर पे आ जाएंगे। तो स्टेप फोर का मैं क्या कहा था कि सिलेक्ट अ क्यू सच दैट आर क्यू इज लेस देन जीरो। तो आप इनमें से कोई से एक सिलेक्ट कर ले। अब देखें क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू वन है और क्यू टू है, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो तरीका होता है, इफ देर आर मोर देन वन सच सोल्यूशन, देखें यहाँ पे दो मिल गए आपको, इट इज डिजायरेबल टू मूव द एडजेसेंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विद द लोएस्ट ऑब्जेक्टिव वैल्यू। तो जनरली फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली जो है जो हमारा हम यूजली जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है कि हम वो वाला यूज करते हैं। अ कॉमन प्रैक्टिस इज टू सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द आर जे, जिसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव, एंड देन टू ब्रिंग कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम इन टू द बेसिक फॉर एन अल्टरनेटिव रूल फॉर चूजिंग द कॉलम टू ब्रिंग इन टू द बेसिस। तो हम इसमें से ये चूज कर लिया। इन दिस एग्जाम्पल वी ब्रिंग ए टू। अब देखिए आर टू में जो नेगेटिव है वैल्यू वो ज्यादा है, माइनस फाइव है। तो आप जो है ये आर वन और आर टू, अब आपने ये आपके पास ए टू जो है आर टू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो ये, इसको आपने इसके ऊपर पिवट ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो वी देन कंप्यूट पी की वैल्यू, कंप्यूट करें पी मतलब रो आपने कैलकुलेट की, रो आपके पास आ जाएगी टू। तो वी नाउ अपडेट द कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब आपने अपडेट करना है। अपडेट करने का तरीका क्या है, अब क्या लिखा था हमने स्टेप सिक्स में कि अपडेट द कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय पिवटिंग अबाउट द पी क्यूथ एलिमेंट। तो पी क्या है वो आपने टू निकाल लिया और क्यू की वैल्यू भी टू थी, क्योंकि आर जे ये हमने यहाँ पर जे की वैल्यू देखी ये टू है। तो ये अबाउट दी टू टू एंट्री, तो ये टू टू एंट्री है। आप वापस जाएं तो ये आपके पास ये टू टू एंट्री, ठीक है, तो ये आपके पास टू टू एंट्री है। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है ये आपने, ये आपका पिवट एलिमेंट है। तो क्या प्रोसेस था, अब आपने इस किस तरीके से अपडेट करना था, ये फॉर्मूलाज थे। तो ये इन फॉर्मूलाज में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी फॉर्म ये बन जाएगी, ठीक है। ये बस वैल्यूज पुट कर दें और ये नया जो है मैट्रिक्स आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट की नया मैट्रिक्स आ जाएगा। और अब आपने दोबारा से स्टेप जो है, अब दोबारा देखिए आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। आप दोबारा से जो है वो स्टेप टू पर आ गए। तो स्टेप टू में आपने क्या किया, सबसे पहले तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो आपके पास, अब देखें इसमें जो है ए थ्री, ठीक है, ए थ्री ए टू और ए फाइव जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। ए थ्री की जो फर्स्ट एंट्री है वो 100 है, ए टू की जो एंट्रीज है 010 है। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं और जरूरत अगर ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो फिजिबल सोल्यूशन है वो क्या होगा कि ये अब आपका ए थ्री ए टू और ये ए फाइव जो है जो आपके बेसिक्स वेरिएबल बन गए हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए वन जो है वो जीरो आ जाएगा और ए टू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो ये जो ए थ्री है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सिक्स आ जाएगा, फर्स्ट वही आपने लिखा हुआ, और ए टू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो आपका फोर आ जाएगा, ठीक है, और ए फोर जो है वो जीरो बन जाएगा और ए फाइव के कॉरिस्पॉन्डिंग सिक्स बन जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशंस है ये कॉरिस्पॉन्डिंग टू बेसिक फिजिबल बेसिक वेरिएबल है, ठीक है। तो दिस फोर जो है दिस विल कॉरिस्पॉन्ड टू ए टू। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहले ए थ्री आएगा,
ठीक है, तो उस तरतीब में हमने ये लिखा हुआ है। तो ए थ्री जो है वो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो इसमें सिक्स आ रहा है, तो इस वजह से, लेकिन वो है हमारा फर्स्ट बेसिक वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे एंट्री वन है। तो अगेन उसी तरह से जो कोफिशियंट कैलकुलेट करें आर वन, तो ये आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल ये है ए वन और ये आपके पास ए फोर, ये नॉन बेसिक ये कॉलम है कॉरिस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल। तो आर वन और आर फोर जो है वो रिड्यूस कॉस्ट कोएफिशिएंट है, इनको कैलकुलेट करें, आर वन की वैल्यू -2 आ जाएगी, आर फोर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आर फोर तो वैसे ही जो है वो पॉजिटिव है, आर वन की वैल्यू <0 है, तो अब आप इसी को सिलेक्ट करेंगे और तो और इसके बाद आप जो है जो लोएस्ट उसी तरह से स्टेप जो है वो थ्री, उसके बाद स्टेप फोर करें, तो स्टेप फोर में आपने कैलकुलेट किया एग्जैक्टली सेम वे से जैसे यहाँ पर आपने किया था। तो अब आपके पास सॉरी ये यहाँ पर ये अब आपने ये पी वन क्यू जो है वो आपने 1 चूज कर लिया और इसी तरह से P की वैल्यू निकाल लें, तो Q आपका 1 है और P जो है वो आपका 3 है। तो अबाउट द 3-1 एलिमेंट आपने पिविटिंग करनी है और वो कैसे निकालेंगे, अब आप उसी तरह से मैट्रिक्स को जो है वो कैनोनिकल मैट्रिक्स को अपडेट करें बाई दी फॉर्मूलाज, और अब आपका जो कैनोनिकल मैट्रिक्स है वो अपडेट हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखें तो ये ए थ्री जो है ये आपके पास ए थ्री ए टू और ए वन जो है ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो आपका जो करंट कॉरिस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा 260। तो ए थ्री के कॉरिस्पॉन्डिंग ये ए थ्री आपका फर्स्ट बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सोल्यूशन 2 है, तो ये पहले लिख दें उसकी अरेंजमेंट में वो पहले आ जाएगा। और ए टू जो है वो आपका सेकंड करंट सेकंड बेसिक वेरिएबल है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सोल्यूशन 6 है, वो 6 लिख दिया। ए वन जो है वो आपका थर्ड बेसिक वेरिएबल है और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सोल्यूशन 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया और ये नॉन बेसिक वेरिएबल बन गए। तो ये आपके पास ये एक्स फोर और एक्स फाइव पोजिशन ये जो अब उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रिड्यूस कॉस्ट कोफिशियंट निकाले, आर फोर की वैल्यू 3 आ जाएगी, आर फाइव की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपके दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, तो अब आपने स्टॉप कर देना है, आपका ये जो सोल्यूशन है 26200 दिस इज ऑप्टिमल। तो जो स्टेटमेंट थी वो आपने अप्लाई करनी है, ये जो हमने लास्ट टाइम स्टेट किया था कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल इफ एंड ओनली इफ द कॉरिस्पॉन्डिंग रिड्यूस कोएफिशिएंट आर ऑल नॉन नेगेटिव। ये अब सारे नॉन नेगेटिव है, तो ये इसका मतलब यही जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल है और द सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज देयरफॉर एक्स वन इज इक्वल टू 2 एंड एक्स टू इज इक्वल टू। ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमने क्या करना था वही सोल्यूशन ऑप्टिमल बन जाना, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू 2 है और एक्स टू की वैल्यू 6 है, तो यही जो है हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ओरिजिनल पर, और उसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। तो कॉस्ट फंक्शन आपने निकाला हुआ है सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू, तो आपका आंसर 34 आ जाएगा। तो दिस इज आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट किए, तो ये ऑब्जेक्ट ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है, तो किस तरीके से आपने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है और उसके बाद आपने रिड्यूस कॉस्ट कोएफिशिएंट निकालने हैं और उसके बाद आपने देखे हैं कि क्या वो सारे के सारे ग्रेटर देन 0 है, तो स्टॉप कर देना है, अदरवाइज कोई एक उनमें से सिलेक्ट कर लेना है, अगर एक से ज्यादा हो तो वो वाला आर आई आपने सिलेक्ट करना है जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो।
उसके बाद वो क्यू का मतलब आपने वो कॉलम जो है वो सिलेक्ट किया कि उस कॉलम को आपने बेसिक वेरिएबल बनाना है, वो क्यू कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो आपका नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो अब जो कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें क्यू कॉलम जो है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको आप बेसिक वेरिएबल बनाए। तो उसके लिए आपने पिवट ऑपरेशन करना है, पिवट ऑपरेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू विच रो वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। तो वो वैल्यू हम निकालते हैं जहां पर जो है वो वैल्यू जो है वो ये आर्गुमेंट ऑफ मिनिमम जो जहां पे वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, अगर एक से ज्यादा हो तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो पी जो है वो स्मॉलेस्ट आपने चूज किया, ठीक है। अगर तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है ना कि बहुत एक से ज्यादा रो में आ जाए, तो जो उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट रो होगी तो उसको आप चूज कर ले। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पी की वैल्यू 2 और 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू आ रही है तो फिर आप उनमें से जो रो का इंडेक्स स्मॉलेस्ट है उसे चूज कर। तो जैसे ही पी और क्यू आपने चूज किए तो फिर आप पिवट ऑपरेशन करें कॉरिस्पॉन्डिंग टू दैट एलिमेंट। और पिवट ऑपरेशन कैसे करते हैं कि आप जो नया सिस्टम है उसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मूलाज हमारे पास हैं उन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देते हैं और पी और क्यू की, और हमारे पास कैनोनिकल मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगा और इसी तरह से दोबारा प्रोसेस करें। जी कोई किसी का आप कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। ये मैंने बहुत डिटेल में ये सारा आपको सिंप्लेक्स जो अल्गोरिदम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम फिर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइजेज है वो आप कीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 4, ये जितने क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज कहाँगी, ये एक्सरसाइज ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको आप कीजिएगा और इसी तरह 16.2, 16.3, तो ये आपका जो है एक्सरसाइज जो है ये आपने सॉल्व कर लिया।